The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. विदिशा तहसील के किसानों ने आज बीमा राशि न मिलने से व साथ ही साथ खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर एक ट्रैक्टर रैली के रूप में प्रदर्शन किया। सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ साथ अनेक गांव से आए किसानों ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने शीघ्र ही निराकरण का आश्वासन दिया है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए रवि चौरसिया से है, लश्कापुर से है, पड़रिया से है, है ना, गजार मुडरा से है, टपरा पड़ारी पड़रिया से मुख्यालय पे आए। हमारी प्रमुख मांग तो बीमा की विसंगति जो है ना, वो उसके संबंध में हम आए। सबसे ज्यादा तो बीमा की विसंगति इतनी खतरनाक है कि हर हलके का अलग औसत लिया गया है इन्होंने, बीमा कंपनी ने, और जो किसानों को किसी को पता नहीं किस तरीके से बीमा किया जाता। 5 साल का औसत उपज निकाल ली उन्होंने अपने मर्जी से, और हमारे हलके की उपज मात्र 68 किलो प्रति बीघा आई है, जबकि 3 क्विंटल प्रति बीघा की पैदावार तो कम से कम है। हमारे किसानों के साथ बीमा कंपनी से प्रशासन की साठगांठ करके, ये हमारा खुला आरोप है कि प्रशासन की साठगांठ करके बीमा कंपनी हम किसानों का गला घोंट रही है। एक सबसे प्रमुख मांग तो हमारी बीमा की विसंगतियों को दूर करना है। 2000 कुछ भी नहीं आया, 2018 में नहीं आया, 2019 में नहीं आया, और 2020 में भी हमें बीमा नहीं मिलेगा, ये हम जानते हैं। इसीलिए सारे किसान, 2 हलकों के किसान मात्र आज आए हैं। अगर ये 40 हलके छूटे हैं, वो सारे किसान आएंगे तो शहर की हालत क्या होगी। हाँ, उसके भी हमने 7 पॉइंट हमारे मांग में है। हमारा जो कृषि विधेयक 2020 जो किसानों के खिलाफ है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, मांग करते हैं कि उसको वापस लिया जाए। और वापस हमें मालूम है कि केंद्र सरकार हर दरिद्रता की पे उतर आई है, वो वापस नहीं लेगी, तो हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि वो मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू ना करे। मेन पॉइंट है इंश्योरेंस अपना, इनका बीमा 18 में भी आवेदन किया गया था, प्रोसीज में है, अभी तक 19 में आवेदन किया गया था, अभी तक प्रोसीज में, यही 20 का है। अब 40 हलके के आएंगे अगली बार। क्या चाहते हैं आप सरकार से? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम भरते। मेन मुद्दा बीमे का है साहब, 2018। नाम धर्मेंद्र सिंह यादव, करारिया से, करारिया गांव से। जी, किन मांगों को लेकर? बीमा को लेकर भैया सामने देखिए क्या है मांग, पूरी बताइए। हमारे आप जो 18 में हमारा प्रीमियम कटा था बीमा कंपनी ने काटा, 18 का बीमा नहीं मिला, 19 का भी नहीं मिला, और 20 में कुछ भी नहीं है। किसान की भाई साहब आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, आत्महत्या करा है किसान, कर्जे वगैरह भी होंगे, कुछ कर्जे पूरे ही होंगे, बच्चों ने नहीं पढ़ा पा रहे साहब, जो नेता भी नेता होते हैं उनके बच्चे देखो कहाँ पे होंगे, और एक किसान की दुर्दशा देखो आप जाके, वो सुबह शाम खाना नहीं खा पा रहा, साहूकार को भी देना है कर्जा, साहूकार के ही फोन पे फोन आते हैं, मोबाइल बंद कर लेते हैं हम लोग। ये आज कृषक गण आए थे हमारे पास, जैसे मुख्यतः हलका नंबर 51-54 से और काफ़ी अन्य सारे कृषक भी आए हैं। इनकी जो मांग है, अभी जो 171 हलकों में अभी जहां बीमा की घोषणा नहीं हुई है, अभी उसके संबंध में ज्ञापन था, प्लस 2018 का बीमा कुछ हलकों में नहीं मिला था उसके संबंध में था। इसके संबंध में प्रशासन की कार्रवाई जारी है और बीमा कंपनी से भी हम लगातार टच में हैं, और उनकी ओर से सूचना मिली कि अभी कुछ जगह बीमा सेटल नहीं हुआ है, तो कृषक बंधुओं का अवगत भी कराया है, साथ ही उनसे आग्रह किया है कि प्रशासन पूर्णतः उनके साथ कोऑपरेट करके चल रहा है, और उनकी जो भी मांगे उनको हम बराबर उसको ध्यान भी दे रहे हैं और आगे भी भेज रहे हैं। हम जितने डॉक्यूमेंट हैं वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि बीमा कंपनी के सेटलमेंट का इशू रहता है। सर, देखने में आ रहा है कि कई जगहों पर चक्का जाम लगा रहा है, गोला पर भी चक्का जाम लगाया गया है, कितना समय लगेगा? देखिए, समय के लिए मैं इसको बिल्कुल क्लियर नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि हम सेटलमेंट की राशि जो अभी है वो बची हुई है, जितना हमारे यहाँ से उनके क्लेम बन के जाना है वो हमारे क्लेम चले जा रहे हैं।